Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. In last lecture, we have discussed about some shapes of histograms like symmetric, skewed, uniform or rectangular. Last lecture mein hum ye different shapes ko hum logon ne discuss kiya tha. Inko mazid jo hai wo hum log discuss karenge. Inki theoretically concepts jo hain isse jo hai wo teesre chapter mein hum log dobara se discuss karenge. लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने इनकी शेप्स को डिस्कस किया है. थर्ड चैप्टर में इनका यूज़ और ये किस तरह से बेसिकली बनेंगे वो हम तीसरे चैप्टर में देखेंगे इन चीज़ों को. तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सारा सेक्शन जो था वो डिस्कस किया था. तो जो आज का लेक्चर है दैट स्टार्ट फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम जो हमारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देते हैं, और फिर जो हम दोनों क्लासेस की फ्रीक्वेंसी मिली उसको थर्ड क्लास में ऐड कर देते हैं. इसका मतलब ये सम, हमें फ्रीक्वेंसी का सम करते जाते हैं हम लोग हर इंडिविजुअल क्लास के लिए, और ये हमें क्या देता है, प्रॉपर क्लास के टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं क्लासेस डिफरेंट दो क्लासेस. फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटा रिकॉर्ड किया है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्टूडेंट की एजेस को रिकॉर्ड किया है, फॉर सपोज आपने जो पहला इंटरवल है वो 10 से 16 साल का बनाया है, और दूसरा जो है 17 से 20 साल का बनाया है, तीसरा जो है वो 21 से 26 साल का, फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरवल, आपके पास तीन इंटरवल्स हैं, तो जो पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी वो सिर्फ पहले इंटरवल की एजेस बताएगा, यानी कि 10 से 16 साल फॉर एग्जांपल. लेकिन अगर आप दूसरे की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वो सिर्फ दूसरे इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी, तीसरे को देखेंगे तो तीसरे की. लेकिन अगर आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे तो आप फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो सेकेंड में ऐड करेंगे तो वो आपको टोटल सम बताएगा, यानी कि फर्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री से लेके सेकेंड क्लास की अपर बाउंड्री तक आप लोगों को वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन देगा कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं उस बाउंड्री में. तो ये होता है आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम. तो अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल के साथ इसको कि किस तरह से ये जो है वो आपका, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करेंगे और कहाँ पे आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं. तो चलें आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन. व्हाट इज बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट फॉल बिलो द अपर बाउंड्री ऑफ ईच क्लास, यानी हर क्लास के अपर बाउंड्री में तक जितनी भी डेटा पॉइंट्स होते हैं वो सब आपको ये बताता है. जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको सम देती है हर क्लास के लिए, प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी को भी इंक्लूड करा देती है. शायद ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन वी हैव एन सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. फॉर एग्जांपल वी हैव सेम एग्जांपल जो हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, जिसकी हम लोगों ने बहुत सारा डेटा इस पे किया, हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाना सीखा और बहुत सारे ग्राफ सीखे, लेकिन आज हम लोग सीख रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना. अब देखें ये है आईपैड सोल्ड हो रहे हैं, आईपैड सोल्ड कर रहे हैं 5 to 9 इन अ डे. मेरे ख्याल में ये डेटा जो था मेरे ख्याल में इस तरह से था, 5 से लेके 9 आईपैड इन्होंने कितने सेल किए हैं, 3 सेल किए हैं. 10 to 14 क्या फ्रीक्वेंसी है आपकी? 6 फ्रीक्वेंसी है. यानी अगर ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद नहीं है तो मैं फिर से दोबारा से थोड़ा सा ये एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूँ जहाँ से हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया है. मैं भी थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ. ये बिल्कुल शुरू में हमारा एग्जाम्पल था, दैट वाज वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल जहाँ से हम लोगों ने ये स्टार्ट लिया था. ये वाला एग्जाम्पल था एग्जाम्पल 2.3. द फॉलोइंग डेटा गिव्स द टोटल नंबर ऑफ आईपैड सोल्ड बाय मेल ऑर्डर ऑन ईच 30 डेज, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो इसमें से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था. आईपैड सोल्ड कर रहे हैं किसी दिन में, तो बेसिकली 5 से 9 आईपैड जो है वो 3 सेल हुए, 10 से 14 जो है वो 6 हैं, 15 से 19 जो है वो 8 हैं, 10 से 24 जो है वो 8 हैं,
25 से 29 जो है वो 5 सेल हुए हैं। तो ये वाला वो एग्जाम्पल है जो आगे हम लोग करने वाले हैं, इस पे हम लोग अभी इसकी बनाएंगे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलें जी, तो अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनेगी, चलें देखते हैं। मैंने आपको कहा कि हम लोग जब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो इसको इस क्लास में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, अब देखें 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, और ये जो डेटा होगा ये अब 10 टू 40 नहीं होगा, ये अब डेटा आपका ये वाला जो 9 होगा ये इन दोनों क्लासेस का होगा। मतलब आप इस इंटरवल को इस तरह से लिख सकते हैं, 10 को हटा के 5 से 14 तक आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली जो अब क्लास होगी अब 5 से 14। अब आपको ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये मिलेगा कि इन्होंने 5 से लेके 14 आईपॉड कितने सेल किए हैं, यानी कि इन्होंने 9 सेल इनकी हुई हैं। और अगर आप इस 9 को अब इस फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें 9 ऐड करेंगे 9 और 8 17 आपका ये हो जाएगा, यानी कि हर पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे, उसके बाद आप दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करते जाएंगे। और अब ये डेटा पॉइंट जो है ये 17 जो होगा ये 15 से 19 नहीं होगा, ये फिर कहाँ से होगा, ये फिर यहाँ से 5 से 19 होगा, यानी कि प्रीवियस क्लास के सारे डेटा पॉइंट्स इंक्लूड होते जाएंगे। 5 से 19 जो आईपॉड सोल्ड हैं वो 17 हैं टोटल। और अब अगर आप 17 इसमें ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ पे आप इसमें 17 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 20 और 5 25, यहाँ पे आपको 25 मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल इसके बाद मैं आपको देता हूँ कि ये क्या है, 25 ये आपके हो गए और 25 टू 29 जो है वो कितने हैं, 5 है, 25 में से 5 जमा करेंगे तो टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना मिल जाएगा आपको, 30। ये देखें तो ये आपकी होगी, ये वाली जो है बेसिकली आपकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखें ये क्लासेस सारी 5 से हो जाएंगी। चलें अब ये देख लें, सबसे पहले आपके पास जो क्लास लिमिट्स थी ये क्लासेस डिस्कनेक्ट थी, तो आपको मैंने हमेशा बताया है जब भी स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास क्लासेस डिस्कनेक्ट होती हैं तो हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। एग्जैक्टली हमने ये क्लास बाउंड्री बनाई है, और क्लास बाउंड्री बनाना आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ और आप लोग सीख भी चुके हैं। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे इन चीज़ों की, आपने ज़रूर प्रैक्टिस की होगी। तो ये आपकी क्लास बाउंड्री बन गई। क्लास बाउंड्री के बाद हम लोगों ने क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, यानी कि 3, फिर 3 में से सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 थी वो ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसमें आप इस क्लास की जो तीसरी क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, 8 में 9 जमा करेंगे तो 17, यानी कि ये प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर रहा है जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको करके दिखाया। और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो थी वो आपके पास थी 8, 17 में से 8 आप ऐड करेंगे तो 25 मिल जाएंगे और 30 मिल जाएंगे। और ये जो सेक्शन है ये आपका बेसिकली क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है वो देख लें, तो अगर आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं एक और सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। तो आप क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना हम लोग शुरू में सीखें, अब आप क्यूम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं, यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्यूम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, सेम प्रोसीजर है क्यूम्युलेटिव वाला। क्यूम्युलेटिव में आप यहाँ पे सिंपल क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अबाउट टोटल लिखते हैं, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास में आप क्या कर देंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास में आप क्या करेंगे कि उसकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखेंगे और उसकी परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 थी, उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। सेकंड की 9 है, क्योंकि यहाँ पर 9 यहाँ पे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे क्लासेस को चेक करें सारी 5 से हो गई हैं, क्योंकि ये आपको हर क्लास की अपर बाउंड्री से लेके बैक वाली कंप्लीट क्लासेस की इंफॉर्मेशन देती है एज हम लोगों ने डेफिनेशन जिस तरह से पढ़ी। अब इसकी जो है 17 को डिवाइड करेंगे 30 से, 25 को डिवाइड करेंगे 30 से, 30 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो ये आपको मिल जाएगी आपकी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में से आप क्यूमुलेटिव बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से जो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंट के लिए सेम प्रोसीजर है, 100 से आप मल्टीप्लाई करते जाएं, हर डेटा पॉइंट को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट परसेंटेज। तो ये था सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपका, आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। अब इसका काम क्या है वो देखें। अब आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं तो आपके पास इस तरह का कोई ग्राफ होता है कि जी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिखे होते हैं 5 ओवर, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आपके पास लिखे, क्रिकेट अगर आप देखते हैं शौकीन है क्रिकेट के, तो यहाँ पे आपके पास लिखे होते हैं 5 ओवर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 ओवर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 15 ओवर। आप इसको उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी लिख सकते हैं 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से भी आप ओवर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जो डेटा पॉइंट्स हैं अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो यहाँ पे 5 ओवर में आपके पास थे कितने स्कोर, फॉर एग्जाम्पल 5 ओवर में किसी टीम के 10 स्कोर थे। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फायदा क्या है, और 10 ओवर जब हुए अगले 5 ओवर में, नेक्स्ट 5 ओवर में जो बने आपके पास, जो नेक्स्ट 5 ओवर, चले मैं यहाँ पे इसको सिंपल, सॉरी इसको मैं अरेज करता हूँ, पहले 5 ओवर में जो थे आपके कितने बने, 10 स्कोर बने, फिर दूसरे 5 ओवर में जो अगले 5 ओवर थे दोबारा से, 5 ओवर में आपने बनाए 30 स्कोर, फिर अगले जो 5 ओवर आए उसमें आप लोगों ने बनाए कितने स्कोर, 20 स्कोर। तो ये हर इंडिविजुअल 5-5 ओवर के स्कोर्स हैं, यानी कि आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये आ गया। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, फर्स्ट 5 में कितने स्कोर थे आपके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30। फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, अंडरस्टूड है, यहाँ पे मैंने 10 लिखा, यहाँ पे मैंने 20 लिखा वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया है। तो ये आपकी हो गई, वाई एक्सेस पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसियां लिख दी हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, पहले 5 ओवर में कितने स्कोर थे, 10 स्कोर थे, तो ये वाला पॉइंट होगा पहले ओवर में 10 स्कोर थे, फिर अगले में आपने कितने बनाए हैं 5 ओवर में 30, तो इसका मतलब है 30 और 5 कितने हो गए टोटल स्कोर, मतलब 5 ओवर ये, 5 ओवर ये, टोटल कितने हो गए 10 ओवर, और 10 ओवर में आपके पास कितने मिल गए 40 स्कोर, यानी कि यहाँ पे मैं अगर एक और एक बार लगा लूँ 40 की, तो 10 ओवर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको कितने नजर आ रहे हैं 10 नजर आ रहे होंगे, ये आपके 40 हो गए, और 10 ओवर कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे 10 ओवर, 10 ओवर में टोटल कितने स्कोर बने 10 ये 30 ये, तो टोटल कितने बने आपके 40 स्कोर 10 ओवर में, तो ये बन गया आपका 40। यहाँ पे आप निशान लगा देंगे, एक निशान लगा दिया, फिर अगले 5 ओवर में आपने कितने बनाए हैं 20 बनाए हैं, 40 और 20 कितने हुए 60, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा मार्क कर लेता हूँ, चले ये रफ स्केच है, बाकी एग्जाम्पल हम आगे कर रहे हैं इसका। तो ये आपके टोटल ओवर कितने हो गए 5 और 5, 10 और 5, 15, यानी कि 15 ओवर तक आपके कितने स्कोर थे 60 स्कोर थे। तो अब ये वाला ग्राफ आपको हमेशा क्रिकेट में बहुत ज्यादा नजर आता है, जो इस तरह से सीरीज जो एवरेज आप देखते हैं कि कितने ओवर में कितने रन बने। तो बेसिकली ये जो ग्राफ बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं ओगिव, और ओगिव हमेशा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 15 पे खड़ा हो जाऊंगा इसका फायदा क्या होगा, 15 पे खड़ा हो जाऊंगा तो 15 ओवर में कितने स्कोर हैं यहाँ पे 60 स्कोर हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये
सिर्फ प्रॉपर क्लास की नहीं बल्कि उस क्लास की अपर बाउंड्री से लेके लोअर हर क्लास की आखिरी क्लास तक जो पीछे जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप 10 ओवर पे खड़े हो जाएंगे तो आपको 0 से लेके 10 ओवर तक की इंफॉर्मेशन दे रहा है ये ग्राफ। ये डिफरेंट है बेसिकली आपके पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन आपको प्रॉपर क्लास की इंफॉर्मेशन दे रहा था कि इस इंटरवल में इतने बने, इस क्लास में इतने बने। लेकिन जो ओगिव है आपका, या इसको ओजिव भी कहते हैं, वैसे ओगिव भी पढ़ते हैं इसको, तो ओगिव जो है वो ज्यादा बेहतर है प्रोनाउंस करना। ओजिव भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ओ जी आई वी इसकी स्पेलिंग है, लेकिन ओगिव इसको प्रोनाउंस करना ज्यादा बेहतर होता है। तो ये देखें, ये वाला जो ग्राफ है आपको प्रीवियस क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। तो आइए अब ऑफिशियली इसको देखते हैं कि क्या है ओगिव। एंड ओगिव इज अ कर्व ड्रॉन फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओगिव जो है वो ऐसा कर्व है जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ड्रा होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने सीख ली, बहुत आसान है कि किस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। आप जो प्रीवियस क्लास है उसको ऐड करते जाएंगे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी में वन बाय वन करके, और जो रिजल्ट आते जाएंगे वो आपके वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। एंड ओगिव इज ड्रॉन फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय ज्वाइनिंग स्ट्रेट लाइन द डार्ट्स मार्क्स अबोव अपर बाउंड्रीज ऑफ द क्लास एट हाइट्स इक्वल टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास। नोट, स्टार्ट्स एट द लोअर क्लास बाउंड्री एंड एंड्स एट द अपर क्लास बाउंड्री। स्टार्ट जो होता है वो हमेशा लोअर क्लास बाउंड्री से स्टार्ट होता है, एंड जो होता है वो अपर क्लास बाउंड्री से स्टार्ट होता है। ये आपने जरा ख्याल रखना होता है इसमें कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका लोअर से स्टार्ट होता है और अपर पे ये एंड होता है। बाकी ये किस तरह से बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करेंगे और वाई एक्सिस पे जो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे लिखेंगे, और हर फ्रीक्वेंसी की अपर क्लास पे आप डॉट मार्क करेंगे ऑन द एंड। उस डॉट को आप किससे कनेक्ट कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन से, जिस तरह से वो लाइन बने आप उसको कनेक्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो आईपैड सोल्ड वाला एग्जाम्पल है उसमें किस तरह से ओगिव बना। ये देखें बेसिकली, अब आपको शायद अंदाजा हो गया होगा ये ग्राफ देखने के बाद कि ये तो ग्राफ वो है जो आप क्रिकेट में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो देखते रहते हैं, आपको नजर आता रहता है। तो सबसे पहले आप लोअर क्लास बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट नोट में है, ये आपने नोट कर लिया, और जो एंड होगा वो आखिरी क्लास की अपर बाउंड पे एंड होगा। अब पहली क्लास की आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0.5 से पहली फ्रीक्वेंसी थी 9.5 तक, तो फ्रीक्वेंसी आपकी थी 3। ये 3 है मेरे ख्याल में आपका, तो देखिए आपने यहाँ पे 3 रखा। सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 14.5 तक कितनी थी, मेरे ख्याल में ये 5 थी शायद, पर देख लेते हैं पीछे कितनी थी, ये आपकी थी 6 थी, और 3 ये वाले और 6 इसके, तो ये देखें ये 9 है, ये 9 आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका 9 है। इसी तरह से आपने इस अगली क्लास की इसमें ऐड किया। अब देखें इसमें फायदा क्या हुआ, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसने इतने दिनों में कितने आईपैड सेल हुए, क्योंकि एक महीने का डेटा है 19.5, यानी कि 20 दिन में कितने आईपॉड सोल्ड हुए, तो आपके पास ये वाला डेटा पॉइंट आ जाएगा। अगर आप 24.5 यानी कि 25 पे देखना चाह रहे हैं, 25 डे का डेटा देखना चाह रहे हैं, तो ये वाला आ जाएगा कि कितने सेल हुए, और अगर आप 30 दिन का डेटा देखना चाह रहे हैं 30, तो ये आपको यहाँ पे 30 भी मिल जाएगा। तो ये था मेरे ख्याल में, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये ग्राफ कि ये किस तरह से बनाया है। हाँ, ये 4 पॉइंट ये वाले गैप में अगर आपको कंफ्यूजन है, तो ये गैप बिल्कुल उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये ओरिजिन के साथ कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो ये इसका कोई खास मतलब नहीं है। बेसिकली ये आपका जो ग्रिड बना हुआ है, ये वाला जो ग्रिड बना हुआ है बेसिकली, ये उन्होंने रैंडमली चूज किया है। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये ओरिजिन के साथ मिला हुआ नहीं, अगर शायद यहाँ पे लाइन इस तरह से मिली हुई होती तो आप ये समझते कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, बाकी इसके अलावा इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है इसके दरमियान और डेटा पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखो ना, अगर आप यहाँ पे ये ले रहे हैं, ये कितने का डिस्टेंस है, 4 का डिस्टेंस है मेरे ख्याल में, 5 का डिस्टेंस है। तो जब आप 5 बैक जाएंगे तो और पीछे जाना चाहिए ना, ये तो ये कम हो रहा है,
तो इसलिए इन्होंने इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने के लिए ये नोटेशन लिखी है। ये इसका मतलब है कि ये ओरिजिन के साथ मिला हुआ नहीं है, तो इसमें आप परेशान ना हो, ये इसका कोई इतना को खास इशू नहीं है। ये जस्ट एक सैम्पल है, शो किया हुआ है कि ये ओरिजिन के साथ कनेक्ट नहीं है। नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फिंगर्स पे काउंट नहीं करेंगे, फिंगर्स वो सिर्फ आप जब डिसकनेक्टेड क्लासेस बनाते हैं तो उसमें, वो मैंने आपको आइडिया दिया था कि आप क्लासेस बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी, तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि आपको इस तरह से आप काउंट करें फ्रीक्वेंसी। जिस तरह से हम एज यूजुअल काउंटिंग करते हैं, हम वैसे ही काउंट करेंगे जिस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं, सिंपल ऐड करेंगे। तो ये था आपका ओगिव, आज आप लोगों ने ओगिव को बनाना भी सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमारे पास इसमें क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया, कंफर्म कर दें एक दफा अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके उसके बाद है आपके पास स्टीम एंड लीफ। उसके बाद है आपके पास स्टीम और लीफ प्लाट। स्टीम और लीफ प्लाट में हम लोग सीखेंगे कि एक नया प्लाट बनाना सीख रहे हैं, शायद इसका नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। स्टीम और लीफ प्लाट को बनाना सीखेंगे कि स्टीम और लीफ प्लाट आप किस तरह से बनाते हैं, ये किस तरह से बनाया जाता है। स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले, ये एक तो आपका क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होता है। ईच वैल्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, दो पोर्शंस में हर वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे। अ स्टीम एंड अ लीफ, द लीव्स फॉर द ईच स्टीम आर शोन सेपरेटली इन द डिस्प्ले। अब देखते हैं कि स्टीम और लीफ प्लॉट को आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हैं, द फॉलोइंग आर द स्कोर्स ऑफ 30 कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन अ स्टैटिस्टिक्स टेस्ट। ये कोई आपके कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनके आपके स्कोर हैं, और इनमें से आपने स्टीम और लीफ प्लॉट जो है वो बनाना है। काफी सारे पेपर्स में ये मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ, ये तो नहीं डिफरेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ स्टीम और लीफ के हवाले से, यानी कि आप काफी मेरे अगर आप पेपर देखेंगे, जिस तरह से आईटी को मैंने पढ़ाया है, मैकेनिकल को मैंने पढ़ाया है दो बार, और सीएस को पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, मैथ में मैंने पढ़ाया, तो मेरे जितने आपके क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिल जाते हैं तो उनमें शायद आपको ये चीज क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं ये चीजें जो है छोटी छोटी ये अच्छी बेसिक जो है ये जरूर करनी चाहिए, तो मैं बेसिक पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि पहले बेसिक आपकी कवर हो जाए, तो बाकी चीजें जब आप पढ़ना सीख लेंगे तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं एडवांस चीजें, लेकिन बेसिक जरूरी है। तो मैं बिल्कुल हर चीज का ख्याल रखा है मैंने, एक एक पॉइंट जो भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकता हूँ अच्छे से मैंने इसमें ऐड किया है। तो अब हम सीखेंगे कि स्ट्रीम और लीफ बनेगा कैसे। ये भी बड़ा आसान है, बड़ा मजेदार है। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं। अब सबसे इस डेटा पॉइंट में आपने सबसे पहले जो है सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, और फिर उसके हिसाब से आप डेटा को अरेंज करना है छोटे से बड़े की तरफ, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और डेटा को अरेंज कर लेना है। इवन आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग में भी कर सकते, दोनों में से कोई एक कर लें, लेकिन बेहतर ये है कि आप सबसे पहले छोटा नंबर रखें, फिर उससे बड़ा रखें, फिर उससे बड़ा रखें, इस तरह से सारे डेटा को आप सीधा करके लिख लें। Now to construct the stream and leaf display for these score, we split each score into two parts. The first part contains the first digit, which is called stream. यानी कि हर digit का जो पहला digit है, यानी कि for example यहाँ पे आपके पास जैसे 96 है, ये 96 simple example वैसे ही ले रहा हूँ randomly. ये मतलब बाद में समझें कि आपने पहले 96 लिया, नहीं ये वैसे ही random pick किया है। जैसे 96 है तो 96 में जो आपका पहला digit होगा, यानी कि ये वाला जो digit होगा 9, ये आपका stream होगा, और जो 6 होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका लीफ होगा। तो अब देखिए किस तरह से आप बनाएंगे। सबसे पहले आप सारे डेटा पॉइंट को सीधा करके रखेंगे, उसके बाद जो है वो आप आ जाएं इस स्लाइड पे। तो सबसे पहला जो डेटा पॉइंट है आपके पास डेटा में आपके पास है 52, आप
पांच यहाँ पे रखेंगे और 52 के लिए आप 2 यहाँ पे रख देंगे। ये देखें, ये आपका पहला डिजिट हो गया 52, यानी कि ये आपका स्टीम हो गया और ये आपका 2 क्या हो गया, लीफ हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है दूसरा डेटा पॉइंट जो है वो आपके पास है, कलर चेंज कर देता हूँ, 5 को मिलाएंगे और 0 को सिर्फ पढ़ेंगे 50। फिर अगर आप तीसरा देखेंगे तो तीसरे को आप क्या करेंगे, ब्लू कर लेता हूँ यहाँ पे, 5 और 7 आपका ये हो गया 57। यानी इसका मतलब ये 3 लीव्स हैं, अलग अलग हैं, 52, 50, 57, तो ये 3 है। इसी तरह से अगर आप देखें 65, 69, 61, 68 एंड 64, 75, 79, 71, 72, 76, 79, 77, 71, 72। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आप पढ़ेंगे फर्स्ट 80, फिर आप पढ़ेंगे 87, फिर आप पढ़ेंगे 81, और फिर आप पढ़ेंगे 86, ये 6 आ जाएगा, फिर आप पढ़ेंगे 83, और फिर आप पढ़ेंगे 84, और फिर आप पढ़ेंगे 87। ये जो डिस्प्ले है बेसिकली ये आपकी जो है एक तरह की आपकी क्या बन गई है, स्टीम और लीव डिस्प्ले आप इसी को कहते हैं। बेसिकली ये बहुत आसान है, इसमें इतना मुश्किल कोई मसला नहीं है, सिंपल से एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अब आखिर में आप अरेंज कर लेंगे इन सबको, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि आप डेटा पॉइंट को सबको पहले अरेंज कर लें, सीधा कर लें पहले, ताकि आप परेशानी से बच सकें। तो अब देखें, ये वाला जो है ये फाइनल ग्राफ है, सबसे पहले छोटा डिजिट रखा है 50, फिर 52, फिर 57। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर करना ज़रूरी होता है ताकि ये जो है चीज़ें बेहतर लुक में आए। बेसिकली ये सारे ग्राफ बनाना, ये सारी चीज़ें बनाना, इसका मकसद यही है कि हम डेटा को बेहतर से बेहतर प्रेजेंट कर सकें। ग्राफ्स का मतलब है कि डेटा को बेहतर प्रेजेंट कर सकें। देखें, अब ये स्टीम और लीफ से आपको बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपके पास हज़ारों डेटा पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको इसको सारे टेबल को वन बाय वन पढ़ना पड़ेगा, हर पॉइंट इंडिविजुअल पॉइंट पढ़ना पड़ेगा डेटा का। लेकिन अगर इसमें से आपको ये एक सिंपल सा प्लॉट मिल जाता है जिसे हम स्टीम एंड लीफ प्लॉट कहते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 71 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मेरे ख्याल में आपको 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा कि आप यहाँ पे बता देंगे जान जी 71 कितने हैं आपके पास। एक ये 71 है और एक ये 71 है, दो हैं 71। अगर मैं आपसे पूछूं कि 72 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो चले मैं आपसे पूछता हूं कि 87 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या आप बता सकते हैं 87 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? टू है, 87 की टू है। तो देखें, ये फायदा है इन चीजों को बनाने का। जब आपके पास यहाँ पे, तो हम क्लास में एग्जाम्पल कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, 100 डेटा पॉइंट्स, 150 डेटा पॉइंट्स, 50 डेटा पॉइंट्स, लेकिन जो रियल लाइफ में जब आप प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, जब या आप सर्वे करते हैं या आप डेटा कलेक्शन करते हैं, तो उनमें हज़ारों डेटा पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, COVID-19 की वेबसाइट अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि कितने केस, लाखों में केस रजिस्टर्ड हैं। और अगर आपको वो पूरा टेबल, लाखों टेबल पढ़ने पड़े कि हर शहर में कितने बंदे अफेक्टेड हैं, तो आपको शायद घंटों चाहिए। लेकिन उसी की वेबसाइट पे अगर आप खोल के देखेंगे, तो उन्होंने हर सिटी के हिसाब से आपके पास बार चार्ट्स बने हुए हैं, हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आप विद इन 5 मिनट्स पूरे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है बाय यूजिंग ग्राफिकली। ये मतलब आपका बेनिफिट होता है, आप जो ग्राफ्स बनाते हैं, जितने भी ग्राफ्स बनाते हैं, तो ये और इनका ये बेनिफिट है। अब बात ये है कि कौन सा ग्राफ कहाँ पे यूज होगा, आप कोई भी ग्राफ कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो आप कोई भी ग्राफ यूज कर सकते हैं, आप बार चार्ट कहीं पे यूज कर सकते हैं, अगर आप बार नहीं करना चाह रहे तो आप पाई यूज कर सकते हैं, पाई नहीं करना चाह रहे तो आप हो सकता है स्टीम यूज कर लें या कोई और ग्राफ यूज कर लें। जिस तरह की सिचुएशन होती है आप उस तरह का ग्राफ यूज कर लेते हैं। अगर आपको यानी कि सम चाहिए क्लासेस का, टोटल चाहिए, तो आप ओगिव यूज कर लें जो आज हमने बनाना सीखा है।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अराउंड ये सारी चीजें घूम रही होती हैं। अब जब आप क्रिकेट का मैच देखने बैठेंगे या कोई स्पोर्ट्स देखने बैठेंगे तो या कोई सर्वे फॉर्म आपके सामने आएगा तो आपको जरूर अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जी ये चीज हम लोगों ने ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है, ये इस तरह से बनती है। जब आपको चीजें बनाना समझ में आ जाएंगी तो आपको चीजें पढ़ने में भी मजा आएगा कि हाँ यार ये इस तरह से बनी है, अब आपको उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, पीछे डेटा को आप सिर्फ ग्राफ देख के समझ जाएंगे कि इसमें ये चीजें हैं। तो ये बेसिकली है आपके ग्राफ्स का जो आपके पास जो आउटपुट के लिए यानी कि बेहतर तरीके की आउटपुट आपको मिल जाती है। वन एडवांटेज ऑफ द स्ट्रीम एंड लीफ डिस्प्ले इज दैट वी डू नॉट लूज इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। मजे की बात इसमें ये फायदा है, सबसे बड़ा फायदा ये है, जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल बनाते हैं तो उसमें आप अगर 71 की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो आप सिंपल लिख देंगे 70। फॉर एग्जाम्पल आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं 70 से 75 तक किसी क्लास में, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपल उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 70 से 75 तक। अगर आपके पास हो तो कितने डिजिट्स आएंगे, मेरे ख्याल में 71 दो है, 72 दो है, 4 और 75 एक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये रफ स्केड्यूल है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लिखा। अब इस क्लास में आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, अब अगर आपको इस तरह से डेटा मिला हुआ है तो आप फैसला नहीं कर पा रहे कि 70 कितने हैं, 71 कितने हैं, 72 कितने हैं, 75 कितने हैं, लेकिन हमें इतना पता है 70 से 75 तक 5 है। लेकिन अगर आप स्टीम और लीव डिस्प्ले देखें तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इसमें से जाया नहीं करते और बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपको डेटा की मिल जाती है। तो अगर आप बहुत सेंसिटिव डेटा एनालिसिस कर रहे हैं जहां पे आपने डेटा की बिल्कुल क्लियर पिक्चर देखनी है तो आई सजेस्ट यू के दैट यू कैन यूज स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वाला लेक्चर जो है वो समझ में आ रहा होगा। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, अब आपके पास 3 डिजिट्स हैं, अब 3 डिजिट के लिए आप स्टीम एंड लीफ किस तरह से बनाएंगे, सेम प्रोसीजर होगा। फर्स्ट डिजिट आप एक साइड पे रखेंगे, बाकी 2 डिजिट को कंबाइन करते जाएंगे, यानी कि आपने यहाँ पे 80 80 80 लिखना है तो आप 8 यहाँ पे लिखेंगे और 80 को यहाँ पे कंबाइन कर देंगे, यहाँ पे कंबाइन। लेकिन जब दूसरा डिजिट रखेंगे तो 80 और है इसमें कोई 8 के साथ, तो जब 850 भी है यहाँ पे, तो जब आप 880 लिखेंगे तो आपने ये लिखा, अब 850 लिखना है तो 8 हमारे पास ऑलरेडी है, 50 लिखने के लिए इससे थोड़ा सा स्पेस पे लिखेंगे, तो थोड़ा सा स्पेस पे आप 50 लिखेंगे। अब मेरे ख्याल में आपको अंदाजा हो गया कि ये किस तरह से जो है ये बन रहा है। अगर आप देख लें तो ये देखें 630 लिखा है, 721 लिखा है, ये 775 लिखा है, 750 लिखा है, फिर 750 लिखा है, ये 880 लिखा है, ये 850 लिखा है, 825 लिखा है, लेकिन एंड में इसको अरेंज करके सीधा करके रख देंगे। इसको आप सीधा करके रख सकते हैं। तो ये है आपका 2 डिजिट्स के लिए आपका स्ट्रीम एंड लीफ चार्ट बनाना सीखा आपने। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपके पास ये स्टीम एंड लीफ है, स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स दैट 25 स्टूडेंट्स स्पेंड वर्किंग ऑन कंप्यूटर ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। ये घंटे लिखे हुए हैं, 8 घंटे, यानी कि अगर आपने खाली 6 लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, 06, यानी कि खाली 6 घंटे, और इसका मतलब है 11 घंटे, इसका मतलब है 17 घंटे, फिर 19 घंटे, 22 घंटे, 26 घंटे, 32 घंटे, 34 घंटे, 37, 38। आई होप कि आप लोगों को जो है ये वाला डेटा पॉइंट मुझे पढ़ के बताएं कि इसमें कौन कौन से डेटा पॉइंट है जिसको मैंने सर्किल के साथ मार्क किया है आखिरी क्लास कि क्या होगा डेटा पॉइंट अगर आप मेरे लिए पढ़ना चाहें ये। परफेक्ट, 85 और 86, यानी कि आपको बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टीम एंड लीफ काफी हेल्पफुल शामिल हो, साथ हो सकती। अच्छा, इस रो का आखिरी डेटा पॉइंट जरा पढ़ के बताएं क्या है, आखिरी डेटा पॉइंट लास्ट 38। परफेक्ट, यानी कि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं, बेहतर है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं फौरन से और थोड़ा सा इन्वॉल्व है लेक्चर में। यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग लेक्चर में इन्वॉल्व हों फुली, अपने आप को जो है 1 घंटा या 2 घंटे जो भी टाइम होता है बजाय
ऑनलाइन होने के बाद सो जाने से बेहतर है कि आप पार्टिसिपेट करें, कोशिश करें, कुछ आप लोग कोशिश करें, कुछ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये मिलके ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल थोड़ा प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस में, बहुत सारे इश्यूज हैं, मसले हैं, लेकिन हमें फिर भी काम करना है, अपने टाइम को बचाना है, तो मेहनत करें, थोड़ा सा फोकस भी करते जाएं। तो ये था आपने स्टीम एंड लीफ प्लाट बनाना सीखा, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आप ट्राई कीजिएगा, ये सारे सॉल्व हुए हुए हैं लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। लेकिन इनको पढ़ने के पहले आपको बुक खोलना पड़ेगी। बुक आप लोगों के पास कौन सी खोलेंगे? एस मन की बुक आप खोलेंगे, वो बुक आप गूगल पे उसका नाम लिखेंगे तो आपको PDF फॉर्म में कहीं ना कहीं से वो मिल जाएगी, वो डाउनलोड कर लें। तो वो बुक खोल के ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने खुले हुए हैं इनको सॉल्व कीजिएगा, अगर आपसे ये हो जाए तो बहुत अच्छा। ये वाला एग्जाम्पल खास करके जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तो ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों से पूछूंगा ज़रूर कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया है, और जिन्होंने किया होगा फिर उनके साथ मैं डिस्कस भी करूंगा कि आपने कैसे किया है। ये ऐसे नहीं होगा, ये जब आप बुक खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से सैम्पल चेंज हैं, चीज़ें थोड़ी चेंज हैं, तो मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम इसको मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं ये जो पढ़ के आए हैं। ये समझ लें कि आपका ये होम असाइनमेंट है, या किसको जहाँ जैसे बच्चों को होमवर्क देते हैं स्कूल में, समझ लें कि ये आप लोगों का होमवर्क है, आपके स्कूल के दिन वापस आ गए हैं, और अब ये समझ लें कि आप स्कूल में हैं और आपने जो है होमवर्क जो है वो नेक्स्ट डे पे चेक करवाना है। और मैं चीज़ें भूलता नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ एक बात, मैं कभी नहीं भूलता चीज़ें, मैं जो चीज़ कहता हूँ होमवर्क या असाइनमेंट या जो भी है, मैं मेरी आदत होती है मैं बहुत कम भूलता हूँ। 27 कह रहे हैं कि सर बुक का एडिशन कौन सा? बुक का एडिशन आपको 8th एडिशन की ये स्लाइड है, ये सामने बेटा देखें, ये नीचे ये बुक का नाम ही लिखा हुआ है, ये देखो ये वाला जो स्लाइडों पे लिखा हुआ है ये 8th एडिशन की स्लाइडें बनी हुई हैं, और ये उन्हीं की बनी हुई है, ये मैंने नहीं बनाई स्लाइडें, ये उसी बुक में से बनी है। तो अगर आप चाहें तो 8 की मिल जाए तो वेल एंड गुड है, वरना कोई एडवांस मिल जाए तो इससे भी बेहतर है, कोई मसला नहीं है, एडिशन का कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे चीज़ें होती हैं। जो नया एडिशन होगा उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारे ओपनिंग एग्जाम्पल्स आते हैं या केस स्टडी हैं, वो चेंज होंगे, बाकी चीज़ें सेम होंगी। तो जो आपको मिल जाए आप ले लें एडिशन, अगर 8th मिल जाए तो बेहतरीन है, 9th मिल जाए तो इससे भी अच्छा है, 10-11 मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अगर अच्छी कोई आपको नया एडिशन मिल जाता है तो वो मुझे भी भेज दीजिएगा ताकि मैं भी वो यूज़ कर लूँ, कोई मसला नहीं है, जो भी एडिशन आपको मिल जाए आप लोग डाउनलोड कर लें। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मिले पहले आप लोग ट्राई करें, आप लोग सारे कंप्यूटर ओरिएंटेड हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर सर बुक्स अपलोड करें, आप 41 कह रहे हैं बुक अपलोड करें, बेटा ये जो PDF बुक्स हैं वो अपलोड नहीं की जाती, ये प्लेजरिज्म होता है, आप बात को समझें, ये बुक्स ऐसे अपलोड नहीं होती, ये गलत होता है बुकें अपलोड करना PDF में, हम लोग ऑफिशियली बाउंड हैं ये नहीं कर सकते, आप मेरी बात को समझें, आप सिंपल डाउनलोड कर लें, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा सीख लें, ये सारा लर्निंग प्रोसेस है, दूसरों पे रिलाई करना छोड़ दें, अब आप बड़े हो गए हैं, ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ये बुक डाउनलोड करना भी एक लर्निंग प्रोसेस है। बुक मैं आपको दे दूं कोई मसला नहीं है, देने में मुझे मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप चीज़ें सर्च आउट करना सीखें, कैसे बुक सर्च करेंगे, जब आप बुक के नाम लिखेंगे तो हज़ारों बुकें खुलेंगी, जो चीज़ आपको चाहिए वो कैसे ढूंढेंगे, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है, तो इन चीज़ों को सीखें। अगर आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं तो फिर देखेंगे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करेंगे, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, मेरी हेल्प आपके साथ हर वक्त अवेलेबल है, आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे क्वेश्चन मेरे से पूछें, मेरे साथ डिस्कस करें, मैं आपके साथ जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। बाकी आप बुक्स आपको डाउनलोड कर लें, नाम सिर्फ कुछ भी ना करें, ये नाम यहाँ से कॉपी करें और गूगल में पेस्ट कर दें, आपको इसकी लिंक इंशाल्लाह मिल जाएगी, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, शायद बुरी भी लग रही होंगी, कुछ स्टूडेंट को अच्छी भी लग रही होंगी, लेकिन मेरी आदत है मैं थोड़ा बहुत जो है वो फ्री में एडवाइजेज देता रहता हूँ। तो चलें अब आखिरी प्लाट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको ब्रेक देंगे ताकि आप बोर हो गए होंगे, फ्रेश होके आए, फिर अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे। ये डॉट प्लाट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डॉट प्लाट क्या होता है? द वैल्यूज दैट आर वेरी स्मॉल आर वेरी लार्ज रिलेटिव टू द मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज इन द डेटा सेट आर कॉल्ड आउटलायर्स। ये आउटलायर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मीन में, कि आउटलायर क्या होता है, एकदम से जो किसी डेटा पॉइंट में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है वो आपकी आउटलायर होती है, और एक्सट्रीम वैल्यू भी कहते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद है, आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, एक्सट्रीम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमा और मिनिमा वाला सेक्शन याद करें, समझ लें कि आप कैलकुलस की क्लास में बैठे हैं, कैलकुलस का क्लास चल रहा है,
मैक्सिमा और मिनिमा वाला लेक्चर चल रहा है, जिसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव करके जीरो पुट करते हैं, फिर आप उसी का सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं जल्दी से, सेकंड डेरिवेटिव करके जो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव में से पॉइंट्स मिले होते हैं वो पुट करके आप चेक करते हैं कि फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यूज कहाँ पे होंगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू से यहाँ पे मुराद है मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, और इसको आप इन स्टेटिस्टिक्स आप इसको आउटलायर भी कह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक नंबर, हम लोग बेसिकली अब क्या बनाने जा रहे हैं, डॉट प्लॉट बनाने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कुछ नाम है और ये उनके जो है फ्रीक्वेंसी है, नेम ऑफ पेनाल्टी मिनट्स प्लेयर्स ऑफ बोस्टन ब्रुइंस हॉकी टीम्स ड्यूरिंग द 2000। अच्छा, ये जरा मुझे कोई बता सकता है कि ये जो डेटा मेरे सामने टेबल खुला हुआ है ये क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है? आप लोगों में से कोई बता सकता है? क्वांटिटेटिव। अपना रोल नंबर बताएंगे? मैं देख नहीं सकता, जिन्होंने कहा है क्वांटिटेटिव वो जरा अपना रोल नंबर बताऊंगी, मैं आपको देख नहीं सकता, मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे हूँ। बताएं, परेशान ना हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। 41 क्वांटिटेटिव। 41 क्वांटिटेटिव। और कोई? मेरे ख्याल में ये क्वालिटेटिव नहीं होगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वालिटेटिव होगा? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये क्वालिटेटिव होना चाहिए। मैं भी वही कह रहा हूँ, मुझे भी ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये क्वालिटेटिव होना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट है वो क्वांटिटेटिव कह रहे हैं। अब क्या करें? एक्सक्यूज मी सर। जी 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 टेबल 2.16 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पेनल्टी मिनट्स पर प्लेयर्स, प्लेयर्स का बता रहा है, प्लेयर्स का डेटा बता रहा है, मतलब ये उनकी क्वालिटी है, मतलब ये उनकी क्वालिटी है कि उन्होंने 40 मिनट में लगाई है। यार ये बहुत तेज है, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक दिस पे कुछ होगा तो भाई मेरे ख्याल में ये डेटा जो है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। फिर भी आप लोग थोड़ा सा इसके आर्ग्यू कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये क्वालिटेटिव है। या देखिए, क्वांटिटेटिव का मतलब ये नहीं होता कि आपको न्यूमेरिकल नंबर नजर आए और आपने जल्दी से क्वांटिटेटिव बोलना शुरू कर दिया। देखें ये क्या है, ऊपर डेटा का ये पढ़ें, नंबर ऑफ पेनाल्टी मिनट्स फॉर प्लेयर ऑफ द बोस्टन ब्रेन हॉकी टीम, यानी कि ये उनकी आउटपुट्स हैं, तो मुझे तो ये क्वालिटेटिव लग रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 50-50 आप लोगों की तरह, फिर से दोबारा सोचिएगा। बहरहाल जो काम करना है वो करते हैं। अब इसमें से हम लोगों ने क्या बनाना है, इसमें से हम लोगों ने बनाना है कौन सा प्लॉट, डॉट प्लॉट। तो ये देखें, सिंपल एक्स एक्सिस पे आपने जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो रखी हैं, टूस का डिफरेंस आपने रखा है, आप डिपेंड करता है डेटा के डिस्टेंस से आप रख सकते हैं। सिंपल एक्स एक्सिस पे आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से, और इसके ऊपर आपने दो गोल, अब इसका मतलब क्या है, दो गोल कितने हैं, एक बार है, तीन गोल कितने हैं, दो, या डेटा इसके दरमियान मेरे ख्याल में यहाँ पे तीन होगा या चार होगा, अब ये क्लियर नहीं है पिक्चर, यहाँ पे 6, 7, ये देखें जितनी जितनी ऊपर फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे लिखी हुई है सिंपली, जैसे 14 की फ्रीक्वेंसी की है, देखें यहाँ पे एक है। सिंपल है, ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन विथ नंबर दैट कवर्स द गिवन डेटा, हॉरिजॉन्टल पे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे, प्लेस अ डॉट अबव द वैल्यू ऑन द नंबर लाइन दैट रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑफ पेनाल्टी मिनट लिस्टेड इन द टेबल, आफ्टर द डॉट्स आर प्लेस्ड फिगर 2.2 गिव्स अ कंप्लीट डॉट प्लॉट। तो ये देखें 14 पे कितने डॉट पॉइंट्स हैं, एक है, तो शायद 14 नंबर जो है वो सिर्फ एक ही होगा डेटा पॉइंट में, यहाँ पे देखें, ये देखें 14 सिर्फ एक है, और दो कोई है, देखें हम लोग, अगर हम लोग दो देखें तो 7, 24, 12 सर, दो एक बार है सर दूसरी रो में सर, कौन सा डिजिट है,
डिजिट तो बताओ। टू टू सर। टू है दो बार, चलें टू अगर दो बार है तो यहाँ पे तो फिर एक बार लिखा है। नो सर, एक बार है, एक बार। टू एक बार ही है, आप भूल रहे हैं, कोई और देखें। एक बार। चलें बहरहाल इसमें इतना नहीं है, आप एक दफा ही है। हाँ एक दफा ही है, आपने सिर्फ डेटा को काउंट करना है, जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो, अगर कोई रिपीट हो रहा है फॉर एग्जांपल जैसे ये है तो यहाँ पे दो डिजिट्स होंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से कि ये दो दफा है, बाकी जो सिंगल टाइम है वो आपने सिर्फ उस डेटा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर सर्च करना है। जैसे यहाँ पे ये 34 फॉर एग्जाम्पल एक है, यहाँ पे आपने लिखा है 14 फॉर एग्जाम्पल एक है, ये लिखा है 10 एक है, ये लिखा है। असल में ये पिक्चर के नीचे एक्स एक्सिस पे सही तरह से क्लियर नहीं है कि ये डेटा पॉइंट इसने किस तरह से लिए, तो ये भी सिंपल है, ये बहुत कम यूज होता है ये प्लाट जो है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बना दिया है कि अगर कहीं आपको इस तरह का प्लाट नजर आ जाए तो आप परेशान ना हो। अब आपको रीडिंग करना आगे कि इस प्लाट का मकसद क्या है। तो ये था आपका डॉट प्लाट, एक एग्जाम्पल और भी है, ये देख लें, ये रहे आपके सॉल्यूशंस इसके जो डॉट प्लाट के उन्होंने बनाए हैं। तो ये अब चेक कीजिएगा आप लोग, अब सेल्फ रिव्यू टेस्ट भी आप लोगों के पास है आपकी बुक में, अगर आप करना चाहें सेल्फ रिव्यू तो पेज नंबर 77 पे आप ब्रावो चैप्टर कंप्लीटेड 3 times टू टेक, अगर आप खुद करना चाहें, इंटरेस्टेड हैं स्टेटिस्टिक्स, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो आप 77 पेज बुक का खोलेंगे, वहाँ पे सेल्फ रिव्यू टेस्ट है वो कर लीजिएगा। तो आई थिंक ये वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया अच्छे से।